नमस्कार दोस्तों, मैं शुभा राजपूत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेदांत राजपूत 14 में। आज हम आप पहुंचे हैं मथुरा से 40 किलोमीटर दूर भरतपुर। भरतपुर ज़िले का एक ये शहर है कुम्हेर। कुम्हेर में महाराजा सूरजमल जी द्वारा एक किला निर्मित करवाया गया था जिसका नाम है किशोरी महल। आज हम उसको दिखाएंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे आपके सामने और थोड़ी सी नॉलेज देंगे उस इस किले के बारे में कि इस किले को क्यों इतना बढ़िया कहा जाता है या इसको मजबूत कहा जाता है, क्यों इसके बारे में कहते हैं कि महाराजा सूरजमल जी ने यहाँ रहकर मराठाओं और अफगानियों से टक्कर ली थी। चलिए दोस्तों, वैसे तो ये किला अपने आप में एक खास माना जाता है और महाराजा सूरजमल जी के लिए इस किले को भाग्यशाली कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अंदर ले चलता हूँ मैं आपको इस किले के और दिखाता हूँ इसका व्यू और बताता हूँ इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। इस किले को 17वीं शताब्दी के अंत में हिंदू जाट शासक कुंभा सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। कुंभा जी के समय पर यह किला थोड़ा छोटा था। फिर 1720 या 26 ईस्वी के दौरान महाराजा सूरजमल जी ने इस किले का पुनः निर्माण करवाया और इसको भव्य बनवाया। दोस्तों, महाराजा सूरजमल जी को जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है क्योंकि उनके किले एक अभेद्य किले कहे जाते हैं जिनको आज तक कोई भेद नहीं पाया और उसका एक जीता जागता प्रमाण है ये कुम्हेर का किला जिसे किशोरी महल नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, ऊपर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ ऊपर का व्यू। वर्तमान समय में ये किला अब किस अवस्था में है और कैसा दिखता है। दोस्तों, आप जो देख रहे हैं इस किले को लगभग 8 साल लगी थी इसका निर्माण होने में। इस किले को बनवाने में 8 साल का समय गया था और अब ये किला जो है अपनी थोड़ी सी कंडीशन ख़राब होती आ रही है इस किले की और इसका दोबारा रिस्टोरिंग का काम भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। वैसे ये किला आज भी अपनी नींव जमाए हुए है और अपनी वीर और शौर्य गाथा का गुणगान करता है। दोस्तों, इस किले में ऐसे 8 या आप कहें 7 प्रांगण हैं जो कि एक दूसरे से लिंक हैं या बने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप इन 7 प्रांगणों में एक प्रांगण के साथ ही घूम सकते हैं और इस 7 प्रांगणों के साथ आप इस पूरे किले में घूम सकते हैं। ये इसका पूरा ऊपर का व्यू है जो आपको मैं दिखाने आया हूँ। मैं शुभा राजपूत हूँ दोस्तों, मेरा नाम शुभा राजपूत है, मैं मथुरा से हूँ। और प्लीज़ दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल पे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए व्यूवर्सों से मेरे एक ही अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल की घंटी वाली बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे हमारी ऑल वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों, हम आपके लिए पूरी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें आगे लेके जाएगा, अपने प्रेरणा देता है आगे वीडियो बनाने की। तो ये दोस्तों इसका पूरा शहर का व्यू है जो हम किले के ऊपर से दिखा रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ये किला जो है 7 मंजिला बताया जाता है। दोस्तों देखिए, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम एक एक कोना एक्सप्लोर करते हैं हर उस जगह का। यहाँ कोई नहीं पहुँच पाता, वहाँ हम जाने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ से कैसा दिखता है किले का व्यू। ये आप देख रहे हैं पूरा किला जो इसकी छत ढह चुकी है। युद्ध के दौरान इस किले ने काफ़ी युद्ध देखे हैं और काफ़ी उतार चढ़ाव, फिर भी हम अपनी जान का जोखिम लेते हुए इस किले के ऊपर चढ़कर आपको व्यू दिखा रहे हैं और जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं।
दोस्तों इस किले की 7 मंजिल बताई जाती है, जो कि जिनमें से कि 3 मंजिल भूमिगत और 4 मंजिल आपको घूमने के दौरान दिखाई दी जा देती हैं। और अहमद कहते हैं दोस्तों, 4 राजा सूरजमल जी जो थे वो काफ़ी बेहतरीन योद्धा थे, राजनेता थे और बेहतरीन उनकी किलेबंदी थी। ये इसका प्रांगण है जो कि हम बता रहे थे, ऐसे 7 प्रांगण हैं इस किले में जो एक दूसरे से लिंक हैं और इन प्रांगणों में ही आप घूमते घूमते पूरे किले को घूम सकते हैं नीचे से। पर हम आपको दिखा रहे हैं ऊपर का व्यू जो आज तक आपने YouTube चैनल पे नहीं देखा होगा। दोस्तों कहते हैं जाट महाराजा जो थे वो काफ़ी बेहतरीन शासक भी थे और इस किले में रहकर उन्होंने बड़े बड़े सूरमाओं को टक्कर दी है और इस किले के सामने बड़े बड़े सूरमाओं ने अपने घुटने टेक दिए थे, जैसे कि अहमद शाह अब्दाली। आपने ये नाम सुना होगा, अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफ़गानिस्तान से आया था और जिसको मराठाओं ने पानीपत के युद्ध में खदेड़ दिया था। उसने दोबारा जब आक्रमण किया था तो उन्होंने सूरजमल जी पर आक्रमण किया और इस किले में महाराजा सूरजमल जी जो थे रुके हुए थे और सूरजमल जी से कहा गया था कि आप अपने हथियार डाल दो और आत्मसमर्पण कर लो। तो महाराजा सूरजमल जी ने कहा कि मैंने ये इस किले का अभी निर्माण करवाया है, मुझे इस किले का परीक्षण करना है, आप अपनी तोप पे दागें, मैं अपने किले की मजबूती देखना चाहता हूँ। इस किले के दम पर जो है महाराजा सूरजमल जी ने अहमद शाह अब्दाली को चुनौती दे दी और चुनौती देने के बाद अहमद शाह अब्दाली इस किले की जो बाहरी दीवारें हैं जो कि एकदम खड़ी और सीधी हैं और ये लगभग धरातल से 70 फीट ऊंचा बना हुआ है, तो इस किले को देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई और 6 महीने तक उसने महाराजा सूरजमल जी के बाहर आने का और आत्मसमर्पण करने का इंतज़ार किया। पर ऐसा हुआ नहीं, आखिर हार कर अहमद शाह अब्दाली को यहाँ से जाना पड़ा, वो भी खाली हाथ। फिर उसके बाद मराठा सम्राट या आप कह सकते हैं मराठा सरदार खंडेराव होलकर, जो कि अहिल्याबाई होलकर के पति थे, उन्होंने भी इस किले को 6 महीने तक घेर के रखा था और काफ़ी प्रयत्न किया कि सूरजमल जी जो है आत्मसमर्पण कर दें मराठाओं के सामने। पर सूरजमल जी तो एक जाट थे और जाट कहते हैं, जाट के बहुत ठाट होते हैं, ये कचहरी है, यहाँ कभी महाराजा सूरजमल जी जो है सभा लगती थी तो सुनवाई किया करते थे। ये किले का बाहरी व्यू है जो आप देख रहे हैं कि इसका रिस्टोरिंग का काम चल रहा है। यह जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वह जल महल के अवशेष हैं, जिसके बारे में हमने अलग से एक वीडियो बनाई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मेरे YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं, अन्यथा मैं इस वीडियो के लिंक, उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। वैसे दोस्तों जाटों को ऐसे ही नहीं कहा जाता, जाट सूरवीर होते हैं और स्वाभिमानी होते हैं, इसीलिए उनको हाल ही कोई परास्त नहीं कर सकता था। ऐसे ही जब खंडेराव होलकर जी ने महाराजा सूरजमल जी को इसी किले में घेर लिया था, तब महाराजा सूरजमल जी ने खंडेराव होलकर जी को भी चुनौती दे डाली कि आप मेरे युद्ध आप मुझसे युद्ध करें और मेरे किले पर आक्रमण करें, मैं अपने किले की मजबूती देखना चाहता हूं। वैसे महाराजा सूरजमल जी के लिए ये किला बहुत ही लकी साबित हुआ था, क्योंकि उन्होंने इस किले में रहने के दौरान एक भी युद्ध ना तो वो हारे और ना ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो मराठा सम्राट जो थे, मराठा सरदार खंडेराव होलकर जी, उन्होंने इसकी खड़ी दीवारों को देखकर उनकी हिम्मत जवाब दे गई थी, तब उन्होंने
एक योजना बनाई और वह 6 माह तक इस किले को घेर कर पड़े रहे। उस 6 माह के दौरान इन्होंने इस किले से जाने वाली हर सुरंगों को बंद कर दिया और राशन पानी खाने पीने का इंतज़ाम जो था वो सब रोक दिया गया था। पर मराठा सम्राट ये भूल गए थे कि सामने उनके जाट सम्राट महाराजा सूरजमल जी थे, जो कि एक युद्ध नहीं हारे और उन्होंने बड़े बड़े सूरमाओं को धूल चटाई। ये हमारे कैमरामैन दीपक शर्मा हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये हमारा स्पॉट बॉय है, इसका नाम है नारायण ठाकुर। ये भी मथुरा से हैं और इनके पास हमारी हर ज़रूरत की चीज़ उपलब्ध रहती है, जैसे कि पानी या कैमरा या माइक, हमारी हर चीज़ें, बैटरी वगैरह इनके पास उपलब्ध रहती है। ये हमें प्रोवाइड कराते हैं। ये किले की नक्काशी आप जो देख रहे हैं ये पत्थरों पर पेरी गई है और ये पूरा किला वाकई बहुत मजबूत बना हुआ है, जो कि आज अपनी गौरवशाली इतिहास का जीता जागता प्रमाण दे रहा है। दोस्तों, जब खंडेराव होलकर जी अपनी सेना का निरीक्षण करने जा रहे थे पालगीमर, तो सुबह का टाइम था। इस किले से एक तोप चली थी जिसका गोला सीधे खंडेराव होलकर जी की पालगीमर जाकर लगा और उससे उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जाट राजा सूरजमल जी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और इस किले के बाहर एक स्मारक खंडेराव होलकर जी की बनवाई, वो आपको इस किले के बाहर मिल जाएगी जो कि आज चौराहे के समीप पड़ती है। उसके बाद दोस्तों, खंडेराव होलकर जी का जब देहांत हो गया तो स्मारक बनवाने के बाद जाट राजा सूरजमल जी जो है मराठाओं के पास गए थे और कहते हैं खंडेराव होलकर जी जो थे वो अहिल्याबाई होलकर के पति थे, तो उन्होंने अहिल्याबाई होलकर को सहमति दी और खंडेराव होलकर जी को श्रद्धांजलि दी। तो उसके बाद मराठाओं ने महाराजा सूरजमल जी के ऊपर कभी आक्रमण नहीं किया उसके बाद। चलिए दोस्तों, आपको नीचे ले चलता हूँ और अब आपको एक्सप्लोर करूँगा नीचे का व्यू। वैसे दोस्तों, ये किला काफ़ी बेहतरीन होने के साथ साथ काफ़ी डेंजर भी है, क्योंकि इस वक्त इसकी दीवारें जो हैं वो तो टिकी हुई है पर छत ढह चुकी है। हम पतली इसकी दीवारों पर चढ़कर हमें जाना पड़ा इस किले को ऊपर से, और इस किले का ऊपर से व्यू दिखाने के लिए। ये हमारे कैमरामैन दीपक शर्मा जी ये हमसे बोल रहे थे कि आप कैमरा 2 मिनट के लिए पकड़ लीजिए, मुझे उतर जाने दीजिए। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं ये किले का रूम है, या आप कह सकते हैं कमरा नुमा जगह है। वैसे दोस्तों, इस किले की और भी कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको अब बताता हूं। इस किले में एक अंडरग्राउंड, महाराजा सूरजमल जी ने इस किले में एक अंडरग्राउंड अस्तबल तैयार कराया था कि युद्ध के दौरान अगर दुश्मन की सेना जब तोपों के गोले दागे इस किले पर तो उनके घोड़ों को कोई नुकसान ना पहुँचे। हालांकि इस किले की मजबूती ऐसी थी कि गोला इस किले को तोप का गोला इस किले की दीवार को तोड़कर अंदर नहीं आ सकता था, फिर भी उन्होंने एक अस्तबल ऐसा बनवाया जो कि अंडरग्राउंड था और उनके घोड़े सुरक्षित रहते थे उस किले में। वर्तमान समय में इस किले के बाहरी जो क्षेत्र पर एरिया है वहाँ स्कूल बना दिया गया है और बचे हुए क्षेत्र में एक कचहरी बनी हुई है,
तहसील जिसे कहते हैं, तहसील बनी हुई है। चलिए दोस्तों ले चलता हूँ मैं आपको नीचे और दिखाता हूँ नीचे का व्यू। ये आप देखिए दोस्तों, मैं जिसके बारे में बता रहा था कि ऐसे 7 प्रांगण हैं। यहाँ से हम शुरू किए थे, ऊपर ऊपर घुमाए और उसी प्रांगण में जहाँ से शुरू किए थे वहीं आके अब खड़े हो गए हैं। अगर यहाँ से आप इस किले का नज़ारा देखें, इस प्रांगण का, तो आपको बेहतरीन एक नज़ारा दिखाई देगा जो कि आप देख रहे हैं। बालकनी है और छज्जे बने हुए हैं जिनको से आज के लैंग्वेज में छज्जे कहते हैं। काफ़ी ये किला क्षतिग्रस्त हो गया है, पर कुछ समय के बाद इस किले का पुनर्निर्माण हो जाएगा। दोस्तों चलिए नीचे ले चलता हूँ और ये नीचे का व्यू है। ये इसका एक और प्रांगण है। जीने आप देख रहे हैं क्या कंडीशन है इन जीनों की। अगर कभी राजस्थान आए भरतपुर ज़िले की तरफ तो इस किले को ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि ये मराठास और अफगानियों और मुग़लों से टक्कर लेने वाले शौर्यवीर महाराजा सूरजमल जी की शौर्य गाथा को गाता है यही किला। अपने आखिरी समय में महाराजा सूरजमल जी ने इसी किले को चुना था। और इसका नाम किशोरी महल क्यों पड़ा था दोस्तों, अब हम बताते हैं। किशोरी महल, वैसे आपने देखा होगा भरतपुर के किले में एक किशोरी महल है, वो भी किशोरी महल महाराजा सूरजमल जी की जो पत्नी थी उन्हीं के नाम पर पड़ा था किशोरी महल। पर इस किले को किशोरी महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज़्यादा समय जो व्यतीत किया था और रानी किशोरी जो सूरजमल जी की बीवी थी उनका उतार चढ़ाव इस किले में बहुत ज़्यादा रहा था, इस किले से ही उनका ज़्यादा लगाव रहा था, तो इसलिए इस किले का नाम भी किशोरी महल पड़ गया या किशोरी महल रख दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे की बटन ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे हमारी ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जीएसटी किले के अंदर की बनावट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी दीवार जो कि मैं कह रहा था कि एक मजबूत दीवार है जो कि बर्ग है, जो कहते हैं ना लकड़ियों के बर्गे, उनकी बनी हुई है। और ये कमरा नुमा जगह है जो आप देख रहे हैं। ये उस टाइम किस यूज़ आती होगी आई डोंट नो दोस्तों, पर जो हमारे से बचा, हम बोल रहे थे कि जो कोई जगह नहीं दिखा पाता वो हम दिखा देते हैं, एक्सप्लोर करा देते हैं। चलिए दोस्त अब चलते हैं बाहर की ओर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए व्यूवर्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपको अगले किले में, बैर का किला जो भी महाराजा सूरजमल जी के भाई प्रताप सिंह का किला है। चलिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।